गुड आफ्टरनून पेरेंट्स, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चों का सैनिक स्कूल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अब है बारी उनके रजिस्टर करने की। जैसे कि आपने देखा कि नया ई काउंसलिंग का कंसेप्ट आया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, अपने बच्चों को रजिस्टर करना है। तो उसी पे मैंने उसी के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके लिए आपका AISSAC के नाम से एक पोर्टल है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। उस पर जाके आपने वो जब ओपन होगा, वो लिंक जब आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। मैंने पूरी डिटेल उसमें इसमें वीडियो में आपको दे रही हूँ कि आपने किस तरह के से आपने बच्चों को रजिस्टर करना है, किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है और किस तरह से आपने अपनी चॉइस भरनी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जैसे ही आप वो पोर्टल पे जाएंगे तो आपका वो पोर्टल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्ज़ाम में के एप्लीकेशन नंबर से वेरीफाई करें। आप अपना रोल नंबर से वेरीफाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नंबर से वेरीफाई करेंगे और आपको एक मैसेज पॉपअप होगा वेरीफिकेशन का। वहाँ पे आपने आपकी वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी एप्लीकेशन नंबर के साथ। फिर वहाँ पे नीचे आपका ओके आएगा, ओके का उसको क्लिक करेंगे तब आपका एक न्यू पेज खुलेगा। जैसे ही न्यू पेज खुलेगा जहाँ आपने अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर एंटर करना होगा। आपने क्या क्या अपना एंटर करना है, ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, दोनों चीज़ें अपनी वहाँ पर एंटर करनी है और अपना वैलिड फ़ोन नंबर उसमें रजिस्टर करिएगा क्योंकि उसी पे आपका OTP आएगा। जैसे ही आपका OTP आएगा तो आप वो OTP जो है वो एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आप OTP से वेरीफाई करेंगे, फिर आपको पासवर्ड सेट करना होगा। वहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है आपने और उस पासवर्ड को आप एक जगह पे लिख के रख लेना सो दैट कि वो आगे भी आपका पासवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। भूलना नहीं है उस पासवर्ड को, उसको आप ध्यान से संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। फिर वो पासवर्ड आपने सेट करना है और सबमिट कर देना है। ये आप अभी तक आपकी क्या होगी, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपने अपना रजिस्टर फॉर्म ओपन करना है, फिर उस पर अपना वेरिफिकेशन, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, उससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपने मेल आईडी डालनी है और अपना वैलिड फ़ोन नंबर और वैलिड मेल आईडी डालनी है। जहाँ पर आपको OTP आएगा वो OTP आप फिल करोगे, फिर उसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है, अपना एक फिक्स पासवर्ड सेट करना, ठीक है। और ये इस तरह से आपका ओके का क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या होगा कि नया एक लिंक ओपन होगा। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नया एक फॉर्म फिलिंग का पेज जो है वो ओपन होगा। उसमें आपने अपने आप को साइन इन करना है। उसमें आपको तीन ऑप्शंस देंगे, सबसे पहले साइन इन करना है, फिर यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में आप अपनी एप्लीकेशन नंबर भरोगे। ध्यान रखिए, यूज़र आईडी जब मांगेंगे उसमें आपने अपने क्या करनी है, एप्लीकेशन नंबर भरना है और देन उसके नीचे होगा पासवर्ड। पासवर्ड जो ऊपर आपने अपना रजिस्टर करा था वो पासवर्ड आपने वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन का पेज ओपन होगा। डिक्लेरेशन के पेज मतलब उसमें क्या होगा, आपने जो भी आपका पीछे का पूरा रिकॉर्ड होगा वो उस पर दिखेगा। आपने उसको एक बार चेक करना है कि आपका जो फॉर्म फिल हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ उसको देखने के लिए, एक रीचेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने आई एग्री नीचे दिया होगा, उसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, कि आप ऊपर वाली उसके जो भी डिटेल्स है उसके साथ आप एग्री करते हो, उसको आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपकी अपलोड जो भी डिटेल्स होंगी वो उसमें दिख जाएंगी, ठीक है। आपने सिर्फ चेक करना है कि डिटेल सही है कि नहीं है, फिर उसको सबमिट करना है और रिव्यू करें, ठीक है। कंफर्मेशन का आपका वहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, उसे कंफर्म कर दें, टिक हो, कंफर्मेशन का पूछेंगे उसको कंफर्म कर दें, उसको क्लिक कर दें, टिक कर दें, ठीक है। फाइनल आपकी सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्म का सबमिशन हो जाएगा कि आपने फॉर्म जो है वो फिल कर दिया। नेक्स्ट आपका आएगा उसके आगे का। उसके आगे फिर से आपने उस पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड पे आपका चॉइस फिलिंग का आएगा। एक साइड चॉइस फिलिंग का होगा और दूसरी साइड आपका न्यूज़ का भी होगा, न्यू सैनिक स्कूल का। आपने चॉइस तीन आपके नीचे ऑप्शंस आएंगे, एक चॉइस फिलिंग होगा, एक कैंडिडेट रिजल्ट होगा और तीसरा प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल। आपने चॉइस फिलिंग वाले पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जो होगा तीन ऑप्शंस होंगे उसमें, जो चॉइस फिलिंग वाला है उस पे जाना है।
आपका नया पेज ओपन होगा, उसमें अवश्य अपने जो स्कूल आपने हैं, आप एक टाइम पे 10 स्कूल्स आप सेट कर सकते हो, आपके पास वास्ट आपके पास स्कूल की कलेक्शन है, तो उनमें से आप जैसे आपके टोटल स्कूल्स जो हैं 33 स्कूल प्लस 18 न्यू स्कूल्स, बट आपने इस साइड जो हैं वो आपने सैनिक स्कूल जो पहले वाले हैं 33 उनकी चॉइस आपको पूछी जाएगी, उसमें से आप 10 सैनिक स्कूल की चॉइस आप अपनी फिल कर सकते हो। और अरेंज इस तरह से करना है, आपने ध्यान से सुने, अरेंज इस तरह से करना है कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है उसको पहला नंबर पे, जो दूसरे नंबर की प्रायोरिटी है उसको दूसरा नंबर पे, जो तीसरे नंबर की प्रायोरिटी है उस तरह से आपने इनको अरेंज करके 10 सैनिक स्कूल का लिखना है। साथ में ही आपको दूसरी साइड पे न्यू सैनिक स्कूल का भी होगा, अगर आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी इंटरेस्टेड हैं आप वहाँ के लिए भी फिल कर सकते हैं। टोटल आपको 10 स्कूल्स का फिल करना है, ठीक है। फिर वहाँ पे आप अपने आप को वहाँ लॉक कर लें, वहाँ पे नीचे लॉक का आएगा ऑप्शन, और वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो लॉक कर दें कि हाँ आपका ये जो है आपने ये जो सेट किया है अरेंजमेंट ये आपका लॉक हो गया है। लॉक करने की डेट 13th of March है, याद रखें लास्ट डेट इज़ द 13th March, 6 से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह और 13 मार्च जो है वो लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है और अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको समझ नहीं आई, मेरी वीडियो पूरी ध्यान से देखना, अगर फिर भी आपको नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा नीचे दिया गया नंबर उस पर आप मुझे कोई भी कुछ पूछ सकते हैं कि जो भी आपको डिटेल्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कन्वे कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। थैंक यू।